कि नीतीश जी मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। असल मुद्दे हमने कल भी दोहराया था, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, ये जो हैं असल मुद्दे हैं। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, ये जो हैं असल मुद्दे हैं। और दवाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इस पे नीतीश कुमार जी नहीं बोलते, गरीबी पे नहीं बोलते, भूखमरी पे नहीं बोलते। कौन सी बातें, कहाँ की बातें जिसकी आज कोई ज़रूरत नहीं है, वैसी बातें वो कह रहे हैं। हम वर्तमान और भविष्य की चिंता कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो है इतिहास के जो बासी पन्ने हैं उसी में उनको बातें रखनी हैं, तो उनको मुबारक हो। लेकिन वो बताएं ना, रोज़गार पे क्यों नहीं बोलते, बेरोजगारी पे, कारखाने पे क्यों नहीं बोलते, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे। तो इन सारे मुद्दों पे उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके 15 साल में बिहार बदहाल क्यों हुआ। नीति आयोग के रिपोर्ट में क्यों सबसे फिसड्डी राज्य जो है वो बिहार है, इस पर उनको बोलना चाहिए। जेपी नड्डा कल जिस तरीके से कह रहे थे सभा में कि तेजस्वी क्यों आखिर पोस्टर्स बैनर में सिर्फ उनका ही चार्ज रख रहा है, मतलब लालू यादव के फोटो न होने पर बोल रहे थे। देखिए, हम तो इस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, हम तो नहीं जा रहे हैं किसी को टिप्पा टिप्पणी करने। हम तो काम की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, सुनहरे बिहार की भविष्य की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कौन ये लोग, देखिए मुद्दे पे एकदम नहीं बहस करना चाहते हैं। नड्डा जी को इतना बताना चाहिए कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिला पाए, आयुष्मान भारत में बिहार को पिछले वित्तीय वर्ष में एक भी पैसा क्यों नहीं दिया गया, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मजदूरों की जब बात थी तो इन लोगों ने मुंह क्यों फेरने का काम किया। नड्डा जी को बताना चाहिए, बाढ़ में इतना नुकसान हुआ, तबाही हुआ, आप एक बार तक झांकने तक नहीं आए बिहार, अब चुनाव है तो वोट मांगने घूम रहे हैं। आपको कम से कम सेंट्रल की जो टीम भिजवा देते, खुद नहीं झांकना था तो। बाढ़ में लगभग 85 लाख आबादी प्रभावित हुई है, अब तक जो है कोई घूमने वाला सेंट्रल की टीम तक घूम के आकलन तक नहीं की है कि क्या होगा। लेकिन नड्डा जी तो मिसलीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज से अधिक हमने दे दिया है, यहाँ कमी नहीं की हमने। नड्डा जी, समय स्थल चुन लें, हमसे खुली चुनौती है, हमसे बहस कर लें बिहार के विकास के मामले में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, या वो अपना ही कोई विषय चुन करके हमको बता दे, हम स्वीकार। नीतीश जी कह रहे हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आप बिहार के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन नीतीश जी हर सभा में कहते चल रहे कि जितना आप उनके खिलाफ बोलिएगा उतना उनका प्रचार हो रहा है, जबकि दुष्प्रचार वो खुद कर रहे हैं आपका। खिलाफ तो हमने बोला नहीं, हमने तो काम की बात बोली है। नेता प्रतिपक्ष अगर मुख्यमंत्री से जनता के सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। उनको मुद्दे पे बोलना चाहिए, तो वो तो निजी हमले बोल रहे हैं, क्या कितना गाली दे रहे हैं ये तो पूरी बिहार की जनता, देश की जनता सुन रही है। और जब गाली दे रहे हैं उसको भी हम बोलते भाई उनका आशीर्वाद के रूप में हम ले रहे हैं। उनके भाषण में एक शब्द वो बार बार बोल रहे हैं, अगर मेरी सरकार आई तो ये करेंगे, अगर आई तो ये करेंगे, अगर के पीछे क्या राज है। आप एक बात समझिए, पहली बात तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी एक जो उनके वैचारिक प्रतिबद्धता है वो पूरा देश जानता है, वो बताने की अवसरवादी और वैचारिक प्रतिबद्धता पूरा देश नीतीश कुमार जी को जानता है। एक सवाल की आप हर अपने चुनावी सभा में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, वो थक चुके हैं तो उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, कोई सुझाव सलाह देंगे? नहीं, हम सलाह क्यों देंगे, उनके काम को देख करके हम नहीं बोल रहे बल्कि जनता बोल रही है। अगर बोलते हैं बिहार में कारखाने नहीं लग सकते हैं, समुंदर नहीं है, नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि समुंदर नहीं है, हमने प्रयास किया, उन्होंने तो खुद अपने आप को बोला है ना, उन्होंने तो खुद हाथ खड़े किए हैं। लेकिन समुंदर तो पंजाब और हरियाणा में भी नहीं है, लेकिन बिहार के लोग वहाँ के कारखानों में जाके काम करते हैं। तब ये सारी बातें तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, हाथ खड़े कर लिए कि वो थक चुके हैं। एक आखिरी सवाल, आपने राघोपुर की सभा में कहा कि यहाँ के वोटर जो है वो विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनेंगे, आप पिछले दफ़ा भी अभी भी वहीं से विधायक हैं,
अगर राघोपुर की बात की जाए तो कितना विकास हुआ, क्या लगता है? देखिए, आपको जो दिखेगा राघोपुर में वो हमारी जब सरकार थी तभी उसमें विकास हुआ। 6 लेन जो ब्रिज बन रहा है 5,000 करोड़ का बन रहा है, वो हमारी सरकार में हम लोगों ने शिलान्यास करवाया था। बल्कि दियर का तो उतरने का डिज़ाइन में था ही नहीं पहले, उसको हम लोगों ने जुड़वाया। इंजीनियरिंग कॉलेज उसी बगल में महुआ में वैशाली में हमने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और यही नहीं लगभग 900 करोड़ रुपए का रोड जब PW डिपार्टमेंट के मंत्री हम रहे तो वो दिया गया। तो काम तो देखिए बहुत कुछ हुआ है। तो इसमें लिए अब बताइए कोई विधायक 900 करोड़ रुपए का रोड तो नहीं दिला सकता, 5,000 करोड़ का पुल तो नहीं दिला सकता कोई विधायक। तो हम लोगों जो 18 महीने रहे, जो हो सका वो हम लोगों ने किया, लेकिन विकास जो है ये तो चलते रहना चाहिए, कमी बेसी जो होगा उसको पूरा किया जाएगा। इंदिरा गांधी क्या तुलसी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग नमन करते हैं, इंदिरा गांधी जी को हम लोग नमन करते हैं और हमारी श्रद्धांजलि। जन्मदिन है तो शुभकामनाएं हैं। और हमने तो पहले भी कहा था कि ये जो दौर है उनके लिए बहुत एक कठिन दौर है। आज जब ज़रूरत उनके पिता की थी तो आज उनके साथ पिता खड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी मजबूत रहे, हमारी उनको और उनके परिजनों को पूरी शुभकामना। अच्छा, 10 नवंबर कितना टफ डे आपके लिए होगा? किस बात के लिए? उस दिन काउंटिंग है। नहीं, टफ हमारे लिए देखिए जनता ने मैंडेट दे दिया है, ये स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। हम तो पहला चरण के मतदाताओं को नमन करते हैं कि जिस हिसाब से उन लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, गरीब मजदूर किसान के मुद्दों पर, नौजवान के मुद्दों पर जो वोटिंग किया है ये तय हो चुका। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।